हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम राहुल, वेलकम टू आवर चैनल इंक प्लेजर टैटू। सो गाइस, आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। अब ये उनके लिए जो ये काफ़ी कुछ मेरे से सीख चुके हैं एंड उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है, एंड अगर स्पेशली ये उनके लिए भी है जो इस टैटू इंडस्ट्री में प्लान कर रहे हैं एंड अपनी आगे की जर्नी अब स्टार्ट करने वाले हैं, और आगे इनको क्या क्या खर्चे, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आपको बता करके आगे की चीज़ें, आगे के जो हर्डल्स हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा ट्रेन कर दूँ। तो देखो, अब क्या है, आप तो टैटू आर्टिस्ट बन गए या बनने वाले हो ऑब्वियसली, तो आपके दिमाग में दो चीज़ें रहेंगी कि या तो आप फ्रीलैंसिंग करोगे, या तो आप ऑब्वियसली कोई टैटू स्टूडियो प्लान करोगे, या किसी के अंडर जॉब करोगे। अगर आप जॉब करते हो किसी के अंडर पे, तो वहाँ पे आपके पास टैटू किट होना चाहिए एंड बस जो आपका पर्सनल स्टफ है वो होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो यार फर्नीचर हो गया या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी सामान हो गया, वो सब तो चलो आपको स्टूडियो की तरफ से मिल जाएगा। तो सवाल आता है कि फ्रीलैंसिंग करना है या तो फिर किसी अपना ही स्टूडियो बिल्ड करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि आप अपना स्टूडियो ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली टैटू किट। टैटू किट ऐसे वैसे नहीं कि अगर आपने लाइक देखिए, तीन तरह की होती है टैटू किट। एक होती है चीप वन, जिसमें आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक 6-7 हज़ार 8 हज़ार के ऐसे रेंज में आपको काफ़ी जगह इवन अमेजोन वगैरह में मिल जाती है। बट डिस्क्लेमर ये है, वो सिर्फ आपके एक प्रैक्टिस स्किन पैड पे प्रैक्टिस के लिए होती है। अगर आप उसको स्किन पे यूज़ करोगे तो वो जो मशीन है वो शायद इतना होल्ड नहीं कर पाएगी, या लाइक अगर आपका टैटू 5-6 आवर का है या 8 आवर्स का है या 10 आवर्स का भी जा रहा है, लेट्स सपोज हम मिनिमम रेंज ले लेते हैं 5 आवर्स के आसपास का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि वो मशीन हीटअप हो जाएगी। कॉइल बिल्ट होता है, तो कॉइल जब उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो मशीन इवन फूक भी सकती है। तो अब देखो, मान लो फूक भी तो क्या करोगे, क्लाइंट है आपके पास, आपने सस्ता किट अपने इनिशियल स्टेज में बोला भाई मेरा बजट नहीं है, आपने सस्ता किट लगा लिया एंड वो मशीन फूक गई, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो तो कोई ये नहीं सुनेगा ना, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला, तो वो आप पे इवन केस भी कर सकता है या बोलेगा भाई मेरे को रिमूव करा देना। तो यानी आपने 5,000 रुपये का अगर आपने लिया, आपके लग जाएंगे 30-40 हज़ार रुपये उस पर रिमूव करवाने का खर्चा। तो बेटर है कि आप स्टफ़ अच्छा लें, एंड अगर आप इसमें अपना करियर बिल्ड करने जा रहे हो तो आप अच्छी चीज़ों में, अच्छे गैजेट्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट रखें। तो यस, आपको मिनिमम रेंज हम मान के चलते हैं किट का, जो हम ही प्रोवाइड कर देंगे आपको, दैट्स इज 15,000 रुपीज़, एंड अगर आप बाहर से लेंगे तो यही 15-20 या 25,000 तक का किट हम लेंगे। तो हम मिनिमम रेंज लेके चल रहे हैं लाइक इंक प्लेजर टैटू किट का, जो 50,000 रुपीज़, जिसमें आपको भर भर के सामान मिलने वाला है, एंड मेरे स्टूडियो में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब वही यूज़ करते हैं, तो हम एक मिनिमम रेंज लेते हैं 15,000 रुपीज़। तो सेकेंड चीज़ क्या है, लाइक आपके पास किट है एंड अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो ऑब्वियसली आप उससे कंसल्ट करोगे, डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ कंसल्ट करने वाले हो, तो किस तरीके से होगा, डिज़ाइनिंग दिखाओगे, तो जो डिज़ाइनिंग दिखाओगे कहाँ दिखाओगे, टीवी पे थोड़ा ना दिखाओगे या मोबाइल पे थोड़ा ना दिखाओगे, आपके पास एक पीसी होना चाहिए। लाइक मोबाइल पे भी दिखा सकते हो, बट मोबाइल का काम मोबाइल करेगा एंड पीसी का काम पीसी करेगा, क्योंकि जब बात आती है ना लाइक डिज़ाइनिंग की, लाइक नेम के आगे कोई त्रिशूल ऐड करना है या रुद्राक्ष ऐड करना है या गणेश जी के साथ स्वास्तिक ऐड करना है या एक्स वाई जेड कोई भी आपकी डिज़ाइनिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको भैया पीसी चाहिए। अब हम पीसी में तीन कैटेगरीज़ हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं। द फर्स्ट कैटेगरीज इज़ लैपटॉप, कंप्यूटर एंड आईपैड। अगर आप आईपैड प्लान कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज पे लाइक आप 60,000 रुपीज़ का आईपैड एयर वगैरह भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप आईपैड लेते हो तो आपका सारा का सारा सामान इको फ्रेंडली में आना चाहिए, लाइक अगर आपका प्रिंटर है वो वायरलेस होना चाहिए, लाइक वाईफाई को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वायर से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो और दूसरा, कुछ भी एक्स वाई जेड है तो क्योंकि आईपैड आर सपोर्टिंग वाईफाईज, तो आपके हर एक मॉडल, आपका सारा का सारा स्टफ एक वाईफाई मीडियम पे काम करना चाहिए। एंड देन सेकंड मीडियम इज़ कि आप लेते हो कंप्यूटर लेते हो या लैपटॉप लेते हो, दोनों ही चचेरे ममेरे भाई हैं, तो आप वो प्लान कर सकते हो। तो हम एक मीडियम, लाइक हमारा कोई काम लाइक बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं होता, हल्का फुल्का फ़ोटोशॉप चल जाए, पेंट खुल जाए एंड वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह खुल जाए, इतने में हमारा बस हमारी दुनिया सिमट जाती है। तो इतने में खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम एक मिनिमम रेंज ले सकते हैं 30,000। अगर आपका 30,000, अगर 20 का बजट है भाई,
थोड़ा सा बढ़ा लेना, अच्छा गैजेट ले लेना, आप ही के आगे काम आएगा। लाइक अगर आगे आने वाले 2-3 साल में देखें, क्योंकि देखो इन सब के मॉडल्स भी अपग्रेड होते रहते हैं, जब नया अपग्रेड होता है तो पुराने को टाटा बाय बाय हो जाता है, तो वो आपको परेशान भी नहीं करेगा। लाइक 30,000 का अभी इस करंट डेट पे अगर आप स्पेंड कर देते हो तो आने वाले 2-3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड 2-3 साल में इस इंडस्ट्री में आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाओगे, देन फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेना। अभी हम जो बात कर रहे हैं लाइक बजट में होना चाहिए। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक रिंग लाइट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं रिंग लाइट का आपको अगर यूज़ दिखाऊँ तो लेट मी शो यू। तो देखो अभी जो देव काम कर रहा है वो भी रिंग लाइट पे है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। अभी जो ये काम कर रहा है एक लॉइन के ऊपर कर रहा है, एंड अगर आप एंड अभी रोहित की जैसे हम शेडिंग की प्रैक्टिस चलवा रहे हैं तो उसको भी एक प्रॉपर लाइट मीडियम होना चाहिए। एंड हमारे स्टूडियो में गाइस भर भर के लाइट है, इसके बावजूद भी हमें एक रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचो हम एक कंडीशन लेते हैं कि लाइक आपके घर पे एक ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो या कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस लाइट में काम नहीं होने वाला। अगर हमारे स्टूडियो में इतनी लाइट होने के बावजूद हमें रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो भाई रिंग लाइट आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास ये सपोर्टेंट गैजेट्स के तरह से ये चीज़ें निकल के आती हैं। द थर्ड वन इज़ अगर आप स्टूडियो में प्लान कर रहे हो तो आपके पास एक वर्क स्टेशन होना चाहिए। तो यार देखो वर्क स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का हम यूज़ करते हैं। लेट मी शो यू। तो वर्क स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे हम अपना मशीन सेटअप वगैरह कर सकते हैं, नीडल्स रख सकते हैं, एंड ट्रॉली सिस्टम है, आराम से अपना चलता है, कुछ इस तरीके का मार्केट में। सो वर्क स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ का। एक मैक्सिमम रेंज लेके चलता हूँ, लाइक 2,000 का भी पॉसिबल है, बट एक मैक्सिमम हम रेंज लेके चलते हैं, कितना बजट आपके पास रहना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है आर्मरेस्ट की। जो आर्मरेस्ट है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है आर्मरेस्ट, जिस पे देव रख के अपना काम कर रहा है, जिस पे आप अपने स्किन को क्लाइंट के स्किन को अपने हाथ को कुछ इस तरीके से आर्म पे रेस्ट देंगे। मैं आपको अगर ध्यान से देखो तो कुछ देखिए इस तरीके का दिखता है। यह आर्मरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक अगर क्लाइंट के हाथ पे टैटू है, पैरों पे टैटू है, तो क्लाइंट के हाथ तो और पैरों को आप रेस्ट दे सकते हो और उस पर आप अपना काम कर सकते हो। क्योंकि देखो टैटू अच्छा तब बनेगा जब आप कंफर्टेबल हो एंड आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस लिस्ट में। तो आर्मरेस्ट आपके पास होना चाहिए, अगर आप स्टूडियो कर रहे हो तो ऑब्वियसली होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं एक टैटू बेड की। टैटू बेड भी इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडियो के लिए। लेट सपोज अगर क्लाइंट को कुछ इस तरीके से बनाना है कि उसको लिटाना है तो ऑब्वियसली घर का बेड तो काम आएगा नहीं, तो आपको एक टैटू बेड लेना पड़ेगा जो कि एक स्लीक साइज़ का होता है, एक सिंगल बंदे के हिसाब से मोर देन इनफ। सो गाइज अगर मैं टैटू बेड की बात करूँ तो टैटू बेड आप मान के चल सकते हो, उसका मोटा मोटा एक बजट ले सकते हो, वो है 10,000 के आसपास का। एंड टैटू बेड के बाद जिसका नंबर आता है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है प्रिंटर। देखो प्रिंटर नहीं होगा तो टैटू ही नहीं होगा, ऑब्वियसली प्रिंटर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रिंटर में आप बेसिक में लाइक अगर आप ले रहे हो तो कैटेगरीज आती है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट एंड कार्ट्रेज वाला। तो कार्ट्रेज वाला गाइज अवॉइड करना, वो बेशक से 3-4 हज़ार का आ जाता है, बट क्या होता है उसके कार्ट्रेज की जो कॉस्ट होते हैं ना तो वही आपको सेम प्रिंटर के कॉस्ट पे पड़ेगा। तो आप लेज़र वाला ले सकते हो, लेज़र वाले में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। एंड इंक टैंक ले सकते हो, इंक टैंक में आपको इंक रिफिलर्स मिलते रहे, लाइक 500 की बॉटल आ गई इंक को रिफिल किया एंड देन यू गुड टू गो, थाउजेंड्स ऑफ प्रिंट आराम से आपके निकल आते हैं। तो आप यस इंक टैंक प्रिंटर आप ले सकते हो, उसका आप मोटा मोटा हम खर्चा मान लेते हैं 10,000 के आसपास का। तो जो आपका निकला है बजट अगर एक स्टूडियो के लिए आपके टैटू स्टफ़ के लिए, तो वो मोटा मोटा आप ले सकते हो 80-90,000 रुपीज़ का, 90,000 ये ले लेते हैं। एंड 10,000 रुपीज़ हम, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आप लाइक स्टूडियो में अगर आप कर रहे हो तो आपको चेयर्स वगैरह भी चाहिए होंगे ना अपने और क्लाइंट के लिए बैठने के लिए, तो आप लाइक 4 चेयर्स वगैरह आप जुगाड़ करोगे तो उसमें भी 10,000 का खर्चा मान लेते हो, एक लाख रुपीज़ के आसपास का आप खर्चा लेके चलना जो आपका पर्सनल स्टफ़ अपने स्टूडियो को
ये नेसेसरी होना चाहिए। देन उसके बाद ऊपर से लाइक आप एसी लगाओ, पंखे लगाओ, ये सब चीज़ें लगाओ, तो वो सब ऑन अप टू यू, ठीक है। तो ये सब आपके ऊपर का है, आप कितना आप डेकोरेट करना चाहते हो, कितना आप लगाना चाहते हो। देखो डेकोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लाइक कोई भी एक अच्छा क्लाइंट आपके स्टूडियो में आएगा तो उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए, एंड जब तक वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, स्टूडियो अनरेटेड दिखेगा, तो फिर लाइक उनके दिमाग में ही एक इमेज बन जाएगी कि ये आर्टिस्ट लाइक 2000 वाला है, 2500 वाला है। एक स्टूडियो का स्टैंडर्ड अपग्रेड करोगे, अच्छा खासा दिखाओगे, तो वो जाते के साथ ही वो अपने दिमाग में एक बजट लेके चले जाएगा कि हाँ यार मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, एंड मैक्सिमम की भी उसको टेंशन नहीं रहने वाली। दैट्स वाई जो मॉल्स के टैटू स्टूडियोज़ होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि क्लाइंट का माइंडसेट वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, लाइक आप मोमोज़ अगर आप लोकल मार्केट से खाते हो 50 रुपीज़ का, अगर आप सेम किसी मॉल में जाके खाओगे तो आप 300 रुपये भी देने को तैयार हो। तो कुछ इसी तरीके का है, आपको अंदर का इन्वायरमेंट किस तरीके से अरेंज करना है, तो उनमें थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है। सो अब हम अपने सेकेंड टाइप की कैटेगरी पे अब बात कर लेते हैं, जो कि है फ्रीलांसर्स के लिए। जो फ्रीलांसर हर तरह के होते हैं, लाइक वो घर घर जाके करना चाहते हैं, या आपके घर पे ही लाइक छोटा सा स्पेस हो, एक रूम हो, वहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, क्लाइंट को बुला सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो आपके पास उस केसेस में क्या क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही एग्जैक्टली मैं बात करूँगा, तो टैटू किट के बारे में। यस, आपके पास टैटू किट होनी चाहिए, एंड अच्छी टैटू किट होनी चाहिए। तो वही 15,000 रुपीज़ का टैटू किट है, हमसे बाय करना है, हमसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे आपको 15,000 रुपीज़ में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको भी बताए काम नहीं होने वाला। लाइक आपका टैटू अच्छा हो बट डिज़ाइनिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, लाइक डिज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं है, चलो गूगल से डिज़ाइन डाउनलोड कर लिया आपने, वही करोगे, तो लैपटॉप तो उसके लिए चाहिए ना। थर्ड थिंग इज़ रिंग लाइट। ऑब्वियसली मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको रिंग लाइट भी चाहिए। आर्म रेस्ट, जहाँ पे आप क्लाइंट का हाथ रखोगे। देखो बहुत सारे मैंने देखे हैं तकिए के ऊपर हाथ रखे कर लेते, अच्छा नहीं होता यार। लाइक वो तकिया आपके घर के यूज़ के लिए, क्लाइंट का हाथ उस तकिए पे रखोगे, थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह गिरेगा, तो आप उसके ऊपर सोओगे, बैठोगे, एज ए कुशन यूज़ करोगे, तो आप ही के लिए अनहाइजीन है। तो आर्मरेस्ट रखो, आर्मरेस्ट को अच्छे से प्लास्टिक से रैप करके अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक अगेन प्रिंटर, बस इतना ही चीज़ चाहिए आपको, प्रिंटर एक चाहिए, वही 10,000 तक का बजट आप लेके चलना, तो आपका फ्रीलांसिंग में जो खर्चा बैठता है आपका मोटा मोटा 60 से 65 हज़ार रुपये का बैठेगा, अगर आप ये काम ऐसे कमर्शियली आप करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप सीख रहे हो, इनिशियल स्टेज में सीख रहे हो, तो इनिशियल स्टेज में लाइक 15,000 रुपीज़ का किट लो, छोटा मोटा सामान ले लो, आप सीख कर सकते हो। जब हम कमर्शियल में आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, एंड काफ़ी चीज़ें हमें चेंज देखने को मिलती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज राहुल गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस, प्लीज़ कर लेना, मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, एंड ट्राई करूँगा कि मैं अपनी वीडियोस को डेली, नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार आपकी तरफ पहुँचा दूँ, एंड आपको और मेरा कनेक्शन इसी तरीके से बिल्ड रहेगा। और दूसरी बात, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर डाउट है। तो अगर आपका डाउट अच्छा होगा और मैं देखूँगा कि ये बहुत लोगों का डाउट है, तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो भी बना दिया करूँगा। सो कंटेंट क्या है ना, हमें नहीं मिलता तो आप ही दे दो यार, है ना। ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हम यही ढूंढते रहते हैं, बनाए तो बनाए, क्या बनाए। तो आपसे ही मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है। सो चलो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, खामखा ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। सो दिस वाज राहुल गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।